हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट आया है। जैसे कि हमारा UMT के अंदर सैमसंग FRP के लिए जो अभी तक अनलॉक टूल में चल रहा था जो अपडेट आई थी, और जो फ्री के टूल में जो था वो अभी जो अपडेट चल रहा था, लेकिन अभी दो दिन पहले ही सैमसंग का अपडेट UMT के अंदर आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उसके वेबसाइट पे जाके। जैसा कि UMT का जो सपोर्ट एक्सेस होता है, UMT सपोर्ट एक्सेस, सबसे पहले हम यहाँ पे टूल को ओपन करेंगे डोंगल लगा के। तो जैसे कि ये वीडियो दो दिन लेट बन रहा है, तो जैसे कि आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सर हम जैसे कि लोग वीडियो डालते अपलोड करते कि फर्स्ट हमने फर्स्ट किया है, हमने सेकंड वीडियो डाला हुआ है। तो जैसे कि मेरा ये टारगेट नहीं होता है कि मैं हमेशा नेट पे वीडियो मेरा फर्स्ट होना चाहिए या मेरा सेकंड होना चाहिए, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे जो स्टूडेंट होते हैं और जो मेरे पास जो आने वाले सीखने वाले होते हैं स्टूडेंट, वो हमारा वीडियो देख के फॉलो करते हैं, जो हमारा काम वीडियो देख के सीखते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बनता है, ना कि कोई जो टेक्नीशियन ऑलरेडी काम करता है जिसको पता होता है। तो वो वीडियो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप करे, ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं होता, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट है जो सीखना चाहते हैं या मार्केट में ऑलरेडी कोई काम नहीं कर पाता, जो हमारे वीडियो को देख के सीखना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो होता है। तो प्लीज़ ये बाकी लोग जो काम करते टेक्नीशियन, ये वीडियो को स्किप करें। चलो तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख के है न्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर से हम गो बैक करेंगे। जब भी UMT वाला कुछ नया अपडेट देता है तो उसके ऊपर इंस्टॉलर के ऊपर न्यू लिख के आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा UMT का मल्टी टूल सपोर्ट एक्सेस 2.0 का है। सबसे पहले हम यहाँ पे UMT ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे सेटअप यहाँ पे अवेलेबल है। QC फायर का, GSM टूल का, अल्टीमेट EMMC टूल का, FRP टूल का, HST, LG, MTK। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अल्टीमेट SAMS V0.4 जो हमारा यहाँ पे न्यू लिख के है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 12 तारीख का अपडेट आया था, दो दिन पुराना है। तो ये आप देख सकते हैं 57 MB का साइज़ है। तो यहाँ से हम इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फाइल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो यहाँ ओके कर लेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये टूल को डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे कि ये टूल के अंदर अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है, और अनलॉक टूल के अंदर भी आपके जो मेरा पुराना वीडियो, दो तीन दिन पुराना वीडियो, जिसमें अनलॉक टूल में भी बताया था मैंने कि कैसे ये अनलॉक किया जाता है। और फ्री का भी एक टूल होता है, जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फ्री का भी टूल है, जैसे कि इसमें कोई डोंगल या कोई कुछ नहीं है, क्रैक वाला वर्जन है। जैसे कि आप देख सकते हैं सैमसंग FRP ADB इनेबल HAFFED के बोल के ये नाम से कुछ है। जैसे कि यहाँ से ये टूल ओपन करके हम ADB इनेबल से कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि कोई भी क्रैक वगैरह टूल से काम ना करे, बेकार के जो चीज़ें होते हैं, जो वायरसेस ज़्यादा होते हैं जिसमें टूल होते हैं, फ्री वाले टूल के चक्कर में ना पड़े। हो सके आपके पास अगर ये सारी चीज़ें हैं, डोंगल्स वगैरह, या आपके पास अनलॉक टूल है, तो उतना बेटर होगा जितना आप इजी अच्छा काम करोगे, ठीक है। ये ना कि इसमें PC से प्रॉब्लम आपको, ये जो ये टूल उसे क्या होता है, PC में प्रॉब्लम आ जाता है, या हैंग ऑन लोगों पे PC में प्रॉब्लम आ जाता है, रिस्टार्ट करना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे टूल वगैरह जो क्रैक होते हैं, ये यूज भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा मानना ये है कि आप ये ऐसे टूल यूज ना करें, ठीक है। तो जैसा कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100%, और यहाँ पे हम इसको लोकेशन पे जाके यहाँ से हम ओपन कर लेंगे फाइल को। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा UMT का SAMS बोल के यहाँ पे आ गया, तो मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ यहाँ से इंस्टॉल। तो हम यहाँ से सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे और एक्सेप्ट नेक्स्ट, ये तो सभी को आता ही होगा इंस्टॉलेशन करना। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये जैसे कि ये इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे इसका फाइल आ जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे और कुछ अगर कुछ नया अपडेट आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे शो करेगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाट न्यू। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है इनेबल ADB ओवर MTP मॉडेम पोर्ट, जैसे कि जो सैमसंग के लिए जो FRP बाईपास करने का सिस्टम होता है, वो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये ADB ओपन करके इनेबल करके MTP पोर्ट में
ये आपका सैमसंग का FRP रिमूव करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे और देख सकते हैं, क्लिक ऑन इमरजेंसी कॉल एंड इंटर *#0*#, मतलब ये की दबाने के बाद ये टेस्ट मोड में चला जाता है फोन सैमसंग का, और वहां से इसका ADB इनेबल, यहाँ से ये टूल से वन क्लिक में ये आपका इनेबल हो जाता है, और यहाँ से साथ ही साथ FRP भी बाईपास हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक ऑन बाईपास एंड इट विल ऑटो इनेबल ADB एंड रिमूव FRP, मतलब ये वन क्लिक में ही ADB इनेबल करके ही आपका क्या कर लेता है, FRP रिमूव कर लेता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, जैसे कि नेक्स्ट कर लेके और यहाँ पे हम टूल को हम कर लेंगे ओपन, जैसे कि यहाँ पे, और ये हम बैक का जो टूल है ये हम क्लोज कर लेंगे। जैसा कि एक साथ दो दो टूल रन नहीं होता UMT का, तो हम बाकी का टूल क्लोज करके जो हमारा ये, जैसे कि डेस्कटॉप पर देख सकते हैं ये अल्टीमेट सेंस बोल के आ गया। अब यहाँ पे इसको सिंपली ओपन कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा टूल ओपन हो गया है। तो यहाँ से जैसे कि आप फ्लैशर में आने के बाद आप जैसे कि ओडिन से फ्लैश करते हैं, सेम एज यहाँ से भी आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, जैसा कि BL, AP, CP, CSE फाइल को यहाँ से लोड करके फ्लैश कर सकते हैं। एडवांस फ्लैशर में भी यहाँ से आप ये सारी चीज़ें होती है, बाद में आपको पता चलेगा ये क्या काम करता है। जैसे कि ये MT और कॉलकॉम के में टूलों में भी ये सारी चीज़ें हैं, एडवांस फ्लैशर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे चलते हैं टूल्स में, टूल्स के अंदर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ FRP रिसेट लिख के है, जो मेथड आप बता रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट यूजर डाटा इंजीनियरिंग रोम UART ADB मोड, ये सारे चीज़ें होती है। यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पे कोई मॉडल वगैरह कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम अगर डायरेक्टली FRP क्लिक करेंगे तो ये FRP डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आपको ये पहले पुराना वाला ऑप्शन है, आप YouTube से करते थे मैप या कोई भी, जरा यहाँ से आप देख के देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन अभी ये अपडेट इनेबल ADB का दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ADB को क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली फ़ोन को कनेक्ट करके बाईपास पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे बताऊँ, जैसा कि मेरा फ़ोन यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा लाइट का कम है, ब्राइटनेस कम है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद मैं आगे जाने के बाद नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जो कि FRP का प्रॉब्लम है। तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले कर लेता हूँ, फ़ोन को कनेक्ट तो किया हुआ है ऑलरेडी, और मैं आता हूँ बैक कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इमरजेंसी में आ जाता हूँ। सबसे पहले इमरजेंसी डायलर पे आ जाऊँगा, थोड़ा ब्राइटनेस का इशू है। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी डायलर पे आ जाते, ठीक है, आ गए, और यहाँ पे हम कोड इंटर करेंगे *#0। जैसे कि ये डालने के बाद आप देख सकते हैं ब्राइटनेस मेरा आ गया है, और यहाँ पे ये टेस्ट मोड में भी आ गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसे ही फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ ADB इनेबल। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर डायरेक्टली अगर रिसेट FRP भी क्लिक कर लेता हूँ तो मेरा ये काम नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ना कोई एरर दे देगा, जैसे कि आप देखते कॉम बता रहा है, और डिवाइस यहाँ पे एरर दे देगा, कुछ इशू आ जाएगा। ये चला जा रहा है डाउनलोड मोड में, लेकिन आप देख सकते हैं कि डाउनलोड मोड में FRP नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड मोड में आ गया है फ़ोन, तो ये डाउनलोड मोड में फेल्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं आगे चल के। तो ये वाला प्रोसेस हमें नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेट करेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे बाइनरी का रिजेक्शन का कोई एरर दे दिया है, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये चीज़ें यहाँ से नहीं होगी। तो जैसे कि फिर से हम यहाँ पे फ़ोन को कर लेते हैं रिबूट, तो हम कर लेंगे रिबूट, और इसको वॉल्यूम डाउन प्लस पावर की होल्ड की प्रेस करके हम इसको रिबूट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाइनरी एरर हुआ है, आप देख सकते हैं ये एरर आने की वजह से मेरा फ़ोन इस कंडीशन में खड़ा हुआ है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फिक्स करना है, वन क्लिक में भी इसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली यही टूल पे आएंगे, और आएंगे हम फ्लैशर पे,
और फिक्स डाउनलोड एरर को हम क्लिक करेंगे। नॉर्मल सी कुछ यहाँ फाइल वगैरह को सिलेक्ट नहीं करना है, बस इस पर क्लिक करना है। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फ़ोन यहाँ पे मेरा अभी जैसा कि एरर पे खड़ा हुआ है फ़ोन, ये नॉर्मली मेरा नॉर्मल से ऑन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये हो गया ऑन। देखो ये एरर भी आप फिक्स कर सकते हैं, जो फ्लैशिंग से अगर एरर आता है, जैसा कि यहाँ पे मेरा ये डन हो गया, फिनिश एरर वाला डन हो गया, और मेरा फ़ोन यहाँ पे नॉर्मल सेम एज कंडीशन पे आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर पार्टीशन करप्ट हो गया है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है, सारा इजी मेथड होता है। और ये सारे हम डीप में बताते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करना है क्या करना है, तो हमारे ये फ़ोन फिक्स HOD में आप यहाँ पे आके हमारे पास ट्रेनिंग ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर और MMC हार्डवेयर पूरा हमारा बेसिक टू एडवांस का ये क्लास होता है 20 डेज का। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, जो नंबर हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके व्हाट्सअप से डिटेल्स भी ले सकते हैं। और आगे जो जैसा कि स्क्रीन पे ये भी आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो बैच चल रहा है अभी 27 मई का जो बुकिंग चल रहा है, तो आप इसमें बुक में सीट अपनी बुक करके यहाँ पे आप नेक्स्ट मंथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ वेट करेंगे और सैमसंग के लोगों पे स्टक है, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ कि जैसे आप कभी ऐसे कंडीशन में फंस जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये मेरा बाइनरी एरर पे आके फंस गया था फ़ोन, उसको वापस सेम एज कंडीशन पे लाने की जो मैं कोशिश किया हूँ, तो आपके सामने लाइव हो रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे कि मैं इसको वो नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए वन क्लिक से ही किया, कोई फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग का लोगो है, और यहाँ पे मेरा ये फिक्स डाउनलोड एरर से ही मेरा ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ है, जो कि बाइनरी एरर बोलते हैं जिसको। थोड़ा सा वेट करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन फिर से वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, वेलकम स्क्रीन पे आ गया है। और यहाँ पे हम फिर से इमरजेंसी में जाके फिर से हम इसको टेस्ट मोड में डालेंगे। जैसे कि आपके सामने ये फिर से टेस्ट मोड में आ गया, और हम आते हैं फिर से टूल्स में। और अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अगर ऑप्शन यूज़ करेंगे डायरेक्टली तो फिर से आपका बाइनरी एरर में चला जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे ADB इनेबल वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे एंड बाईपास पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप प्रोसेस में देख सकते हैं, यहाँ पे MTA वाला पोर्ट ले लिया है सैमसंग मोबाइल USB मॉडेम का, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे पॉपअप आएगा जो कि ADB इनेबल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आया है, ऑन फोन क्लिक ऑन इमरजेंसी कॉल एंड एंटर *#0* एंड क्लिक ओके। तो ये ऑप्शन आपको आने के बाद स्क्रीन पे ADB मोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको करना है ओके। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके कर लिया और यहाँ पे आ गया है मेरा अलाउ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ करना होगा आपको, और यहाँ पे अलाउ करने के बाद आपको करना है ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाउंड हो गया और मॉडल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है रिसेट FRP डन। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अलाउ कर लेंगे फिर से, और जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ये फ़ोन ऑन हो रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। जैसा कि मेरा यहाँ पे प्रोसेस पूरा डन हो गया है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोन डायरेक्टली आ गया है होम स्क्रीन पे। मैं इसका थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस को ऑन कर लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डायरेक्टली स्क्रीन पे आ गया, और यहाँ पे मेरा ये बाईपास डन हो गया, जो कि UMT के अंदर लेटेस्ट अपडेट आया है सैमसंग
का अल्टीमेट मल्टी टूल सैमसंग वर्जन 0.4 वाला वर्जन जो है, जो कि आप यहां से ADB इनेबल करके बाईपास कर सकते हैं। तो जैसा कि ये वीडियो में आपको दो चीज़ें सीखने मिली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां पे मिला, अगर आप रिसेट का बटन यूज़ करेंगे तो आपका बाइनरी एरर पे चला जाएगा जो कि वो सपोर्टेड नहीं होता है। उसके बाद यहां पे आपको एक ऑन होने के बाद डायरेक्ट बाइनरी एरर बताएगा, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली वन क्लिक में फ्लैशर में आके आप यहां से फिक्स डाउनलोड एरर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये एक ऑप्शन मिला सीखने में इस वीडियो में, और आपको मिला दूसरा टूल के अंदर आप ADB इनेबल कैसे करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कुछ नया मिला होगा सीखने में, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे भाई को जो नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जाना चाहिए, और जो भी कुछ हमारे पास नया आता है हम आपको शेयर करते हैं। और हमारे पास जब क्लास में ये सारी चीज़ें सिखाती है तो सारा डीप में बताते हैं हम, फ्लैशिंग कैसे करना, सैमसंग के बाइनरी कैसे चेक करना, और बाद में जो हमारे पास कॉलकॉम और MMC के लिए जो भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि MMC में हैंग ऑन लोगो और जो भी अनलॉकिंग विदाउट डाटा लॉस UFS का या MMC का, हम ये सारे चीज़ें भी बताते हैं। तो ठीक।